हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है, आज की इस वीडियो में जानेंगे अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है फैट या वसा या चिकनाई। जैसा कि अपन ने पहले ही जाना था कि हमारे शरीर के लिए छह चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फिर फैट है, फिर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और पानी है। ज़्यादातर के बारे में अपन जान चुके हैं, इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है फैट या वसा या चिकनाई, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि फैट आखिर है क्या, चिकनाई आखिर है क्या। यह तो शरीर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है ये, लेकिन कुछ खास बातें हैं इसमें कि 1 ग्राम फैट है वो 9 कैलोरी पैदा करता है। जैसे मान लो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, वो तो केवल 4 कैलोरी पैदा करता है, लेकिन फैट 9 कैलोरी देता है। उसके साथ में और ख़ास बात इसमें ये है कि ना तो इसमें कोई स्वाद होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वो मीठा होता है, लेकिन फैट में या चिकनाई में कोई स्वाद नहीं होता है। दूसरी खास चीज़ और ये है कि ये पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, जो इसको और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनसे अलग बनाता है। जो हमारा शरीर का जो सिस्टम है, वो जो शोषण का सिस्टम है, जो शरीर खाने को सोखता है, वो पानी पे डिपेंड होता है या वाटर बेस्ड सिस्टम होता है, और ये है चिकनाई वाला जो पानी में घुलता नहीं है, ये इसको अलग खास बनाता है, इसलिए इसके पाचन में ज़्यादा समय लगता है। तो अपन सबसे पहले अब ये जानते हैं कि आखिर चिकनाई होती क्या है। जो अपन खाने में खाना लेते हैं उसमें जो चिकनाई है या फैट है वो क्या है। तो सबसे पहले जो फैट है वो 2 तरह के हैं। एक तो सेचूरेटेड फैट, सेचूरेटेड फैट है वो ज़्यादातर जो एनिमल सोर्स है वहाँ से आता है, मतलब कोई ना कोई जैसे गाय है, भैंस है या जानवर है, उसके थ्रू आता है। जैसे अपना मिल्क है, दूध है, चीज़ है, बटर है, मक्खन है, घी है, या जैसे मीट है, रेड मीट है, फिश है, ऐसे सोर्स से आने वाले खाने हैं वो हैं, वो कहलाते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या एस्ट्रोल की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ में एक खास चीज़ और जुड़ जाती है, वो है ट्रांस फैट। अपन रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं कि ट्रांस फैट शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है, लेकिन ट्रांस फैट है क्या? ये भी एक तरह का सेचुरेटेड फैटी एसिड ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट में? जो प्लांट बेस्ड तेल होता है, मतलब किसी पौधे का तेल है, जैसे सपोज करो मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल है, उसको अपन हाइड्रोजनेट कर देते हैं या उसको बार बार गर्म करते हैं, तो जैसे मूंगफली का तेल वो फिर घी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं अपन वनस्पति घी, या बार बार गर्म करते हैं तो भी वो हाइड्रोजनेटेड हो जाता है या वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। एक्चुअली जो ट्रांस फैट है वो सेचुरेटेड फैट से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो अपन को जो ट्रांस फैट है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, जैसे वनस्पति घी है। फिर दूसरे नंबर के जो फैट हैं वो है अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसेचुरेटेड फैट। तो इसमें क्या है, ये प्लांट बेस्ड है, मतलब ज़्यादातर किसी न किसी पौधे से प्राप्त होता है, तो इसमें ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो ट्राइग्लिसराइड का होता है। सेचुरेटेड में तो कौन सा था, कोलेस्ट्रॉल, इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, तो एक तो मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दूसरे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें किस में होते हैं वो, जैसे मूंगफली है, बादाम है, इस तरह के जो वो हैं उनमें तो मिलता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी तरह के होते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 2 तरह के अपन नाम बार बार सुनते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है कि शरीर इनको खुद नहीं बना पाता है। ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनको शरीर खुद उनका निर्माण नहीं कर पाता।
पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या फैट है वो किस में मिलता है? सबसे पहले अखरोट है, या फिर अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, या फिर सूरजमुखी के बीज हैं, या फिर कुछ फिश हैं, उनमें ये मिलता है। और ये शरीर के लिए अच्छे फैट कहलाते हैं या गुड फैट कहते हैं। ये जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, लिपिड के अंदर आते हैं, उनको ये बढ़ाने में मदद करता है। अब फिर अपन ये जानते हैं कि शरीर का इनका शोषण होता कैसे है। जैसे अपन मान लो कोई फैट खाते हैं शरीर में, या चिकनाई वाला खाना खाते हैं, तो उसका शोषण होता कैसे, शरीर इनको कैसे सोख पाता है। तो अपन ने पहले ही जान लिया था कि अपना जो सिस्टम है वो वाटर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन ये ऑयली वाले हैं, ये पानी में तो घुलते नहीं हैं, फिर इनका शोषण भी अलग तरीके से होता है, और इसी के लिए इनके शोषण में या पाचन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मुंह से इनका पाचन शुरू हो जाता है, जो अपनी लार है उसमें टाइलिन नाम का सब्सटेंस होता है, या इसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज, पर इसकी मात्रा कम होती है। थोड़ा थोड़ा डाइजेशन इसमें यहाँ से मुंह से शुरू हो जाता है, फिर वो पेट में पहुँचता है, गैस्ट्रिक एसिड है, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है और फुल डाइजेशन होता है अपर इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले उसमें साथ मिलता है पेंक्रेटिक लाइपेज, और दूसरा बाइल पित्त। पित्त ये मिलके जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ये तोड़ देते हैं, तो ये डाइग्लिसराइड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। फिर फर्दर और इसका डाइजेशन होता है ट्राइग्लिसराइड का, फिर ये मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है, फिर वे इसका शोषण हो जाता है, फिर ये ब्लड में पहुंचता है, कुछ एनर्जी में यूज होता है, बाकी शरीर में फैट के रूप में डिपोजिट हो जाता है। जैसे अपन जान ही रहे हैं कि मान लो बहुत ज़्यादा घी तेल खाते हैं तो शरीर में फैट या चर्बी जम जाती है, वो ज़्यादातर कहाँ पे जम जाती है, पेट में जम जाती है, तो उसको अपन कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा आ गया, या सेंट्रल ओबेसिटी, इस तरह के नाम से जानते हैं कि घी तेल अपन यूज़ नहीं कर पाए, जरूरत से ज़्यादा खाना खाया, सेडेंट्री लाइफ ली, एक्सरसाइज नहीं की, तो वो फैट शरीर के अंदर जम गया। तो अपने शरीर में आखिर फैट करता क्या है, क्या काम करता है शरीर के अंदर, क्या काम है इसका शरीर के अंदर, तो अपना जो शरीर है उसके लिए कई तरह से काम करता है। तो सबसे पहले जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होती हैं, अपन ने पहले ही जाना था जो फैट में घुलने वाली विटामिन्स हैं, ADE K, इस तरह की जो विटामिन्स हैं, इनका शोषण केवल फैट की प्रेजेंस में होता है। अगर अपन चिकनाई वाला खाना नहीं खाएंगे मान लो, तो इनका शोषण नहीं हो पाएगा और विटामिन्स की कमी हो जाएगी। दूसरा काम क्या इम्पोर्टेंट करता है, शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं तो वो उसको बनाने में सहायक होता है फैट। फिर उसके बाद अपने जो बाल हैं और चमड़ी है, इनको हेल्दी करता है और इनको चमकदार बनाता है। फिर उसके बाद अपने जाना था कि जो फैट डिपॉजिट हो जाता है शरीर के अंदर, तो वो एनर्जी का एक तरह से स्टोर हाउस है। जैसे अपन ने कभी कभी देखा होगा कि कोई आदमी आमरण अनशन पे या हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है, खाना नहीं खाता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस स्टोर वाले फैट से मिलती है। जो शरीर में फैट स्टोर हो गया वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या लिपिड लेवल है, उसको ये मेंटेन करने में सहायक है, और जो सेल्स की बनावट है कोशिकाओं की या उसकी मेंटेनेंस है, उसका काम भी ये फैट ही करता है। कितने फैट की हमें ज़रूरत होती है खाने में, तो 20 से 35% अपने खाना है वो फैट के माध्यम से कैलोरीज आनी चाहिए। जैसे कोई आदमी मान लो 2000 कैलोरी या 2200 कैलोरी लेता है, तो उसकी 20 से 30% जो वो फैट से आनी चाहिए कैलोरी। तो आज ऐसे करके अपन ने फैट के बारे में कुछ तथ्य जाने, अगली बार में अपन जानेंगे कि ज़्यादा फैट लेने से हमें क्या नुकसान होता है, कौन सा फैट अच्छा होता है शरीर के लिए, कौन सी चीज़ अपन को खानी चाहिए, कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में अगली वीडियो में अपन जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।